मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एमपी के आदिवासियों को खुश करने की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाल ली है। यही कारण है कि मंगलवार को पीएम मोदी ने एमपी के आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला का दौरा किया और यहीं पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पंचायत के जरिए हमारे अंदर सेवा का संकल्प मजबूत होना चाहिए और गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। पीएम मोदी ने आदिवासी विकास पंचवर्षीय योजना का भी ऐलान किया। सीएम शिवराज ने भी पंचायतों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। आपके अपने गांव के लोगों के सशक्तिकरण के लिए, आपके अपने गांव को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आप जो भी संकल्प करेंगे, उन संकल्प को पूरा करने के लिए हम भी, भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेगी। आपके सपनों के साथ हमारे सपने भी जुड़ेंगे और हम सबके सपने मिलकर के 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को हम सिद्ध करके रहेंगे। इसी एक भावना के साथ आज पंचायत राज दिवस पर आइए, उनके संकल्पों को पूरा करने का संकल्प हम भी लें। स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ, बेटी बचाओ, बेटा बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त समाज बनाओ, ये जो अनेकों संपन्न माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, वो पंचायत राज के प्रतिनिधि भी और आम जनता जनार्दन भी खुद लगकर साकार करेगी। समारोह में पीएम ने दो सरपंचों को भी सम्मानित किया। इसमें मंडला जिले के लिंगामल ग्राम पंचायत को स्मोकलेस यानी धुआं मुक्त पंचायत करने के लिए और शहडोल की पखरिया ग्राम पंचायत में 100% टीकाकरण के लिए दोनों सरपंचों को पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।